हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पीके द ग्रीन शेफ किचन में एक महाराष्ट्रियन रेसिपी जिसका नाम है मैंगो श्रीखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें रेसिपी कैसे बनानी है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन पीके द ग्रीन शेफ। सो आज हम बनाने जा रहे हैं पीके द ग्रीन शेफ में एक महाराष्ट्रियन डिश जिसका नाम है श्रीखंड। आइए देखते हैं उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। आज हम बनाएंगे मैंगो श्रीखंड पीके द ग्रीन शेफ किचन में। तो मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हंकड़। ये मेरा एक वन बाउल हंकड़ है, ये आप मान के चलिए मेरा 1 kg हंकड़ है। हंकड़ कैसे बनाते हैं मैंने अपनी रेसिपी बनाई थी दही के कबाब, उसमें बताया था, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी आपको बताती हूँ कि हमें हंकड़ कैसे बनाना है। आप फ्रेश दही लेंगे और उसको एक मलमल के कपड़े के अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से बांध के टांग देंगे, या फिर किसी बाउल छन्नी लेंगे और छन्नी के अंदर वो अपनी पॉल जो है आपका मलमल का कपड़ा जिसमें आपने दही डाली है वो उसमें रख देंगे और नीचे उसका पानी डिप डिप करके निकल जाएगा। एक ऑप्शन है, आप ऐसे रखिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो आपने कपड़े में जिसमें दही बांध के रखी है उसको आप टैप के नीचे कहीं भी टांग दीजिए। 4 to 5 hours में वो जितना भी उसका वेवी वाटर है वो सब निकल जाएगा और आपका हंकड़ रेडी हो जाएगा। श्रीखंड बनाने के लिए हमें हंकड़ ही चाहिए होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये हंकड़ यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा एक मैंने मैंगो लिया है जिसका पल्प निकाल लिया है। जो भी आपके पास मीठे मैंगो हो वो आप लीजिए, अल्फांजो लीजिए, जो भी आपके पास मैंगो है वो आप ले सकते हैं, बट वो मीठा होना चाहिए, उससे ही टेस्ट आएगा। तो मैंने एक बिग मैंगो का पल्प निकाल रखा है। यहाँ पर पाउडर शुगर ली हुई है, इलायची पाउडर है, ग्रीन इलायची पाउडर, और कुछ मेरे पास यहाँ पर नट्स हैं जिसको मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी बनाना मैंगो श्रीखंड। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है मिक्सिंग करने के लिए। सबसे पहले जो मेरा हंकड़ है वो मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी। ये देखिए कितना थिक, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह लग रहा है। ये देखिए ये मैंने हंकड़ डाल लिया अपना। उसके बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपना मैंगो पल्प। ये हम इसमें ट्रांसफर करेंगे मैंगो। फिर मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर इलायची पाउडर, 1 teaspoon मेरा इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। और हम डालेंगे पाउडर शुगर, ये मेरा 2 tablespoon के करीब है। ये मैं अभी थोड़ी डाल रही हूँ, फिर हम चेक कर लेंगे मीठे हमें जितनी ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग हम डालेंगे। और थोड़े से मैं डाल देती हूँ अभी नट्स मिक्सिंग के वक्त मेरे को चाहिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप पूरी के साथ और एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं। महाराष्ट्र में तो ये बहुत ही खाई जाती है, अलग अलग तरीके का होता है। केसर का बनाइए श्रीखंड, अलग अलग फ्लेवर्स में आप बना सकते हैं श्रीखंड। इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइप से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है 1/2 hour के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे मैंगो श्रीखंड को। ये देखिए ठंडा हो गया बिल्कुल, हमारा मैंगो श्रीखंड रेडी है। चलिए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं इसको देखिए डाल रही हूँ। इसको आप पूड़ी के साथ या फिर ऐसे ही स्वीट डिश की तरह भी खा सकते हैं। ये मेरा परफेक्टली रेडी हो गया है मैंगो श्रीखंड, और मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी नट्स के साथ। और ये मैंगो श्रीखंड रेसिपी इज रेडी। मैंगो श्रीखंड रेसिपी इज रेडी टू सर्व। होप यू लाइक द रेसिपी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पीके द ग्रीन शेफ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर यमी एंड टेम्प्टिंग।